बॉलीवुड इंडस्ट्री आज के टाइम पर काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, काफी ज्यादा बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं। जी हाँ, बड़े बजट के साथ साथ आज की फिल्मों में जो है बड़ी मेहनत भी लगती है। जी हाँ, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, काफी ज्यादा मेहनत लगाते हैं आज के टाइम पर फिल्मों को बनाने के लिए। एक फिल्म के पीछे काफी ज्यादा लोगों की मेहनत होती है, स्क्रीन पर उस फिल्म को लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर ये जो फिल्म है स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म करती है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है, ऑडियंस प्यार देते हैं, तो उनके लिए, एक्टर्स के लिए, मेकर्स के लिए मोटिवेशन बन जाता है। और अगर ऐसी ही मोटिवेशन उन्हें अवार्ड्स के जरिए मिले तो और भी अच्छा हो जाता है। जी हाँ, अगर इनकी इस मेहनत को अवार्ड्स के जरिए नवाजा जाता है तो उनके लिए ये एप्रिसिएशन और मोटिवेशन दोनों होती हैं, वो आगे भी अच्छा काम करने की सोचते हैं। और ऐसे ही अवार्ड्स करवाए गए हैं रिसेंटली मुंबई में। जी हाँ, आईफा अवार्ड्स जो कि 20 सालों से कराए जा रहे हैं, इस साल 20th अवार्ड्स कराए गए आईफा के। और आईफा 2019 की अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को उनकी मूवी पद्मावत के लिए। पद्मावत मूवी में रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया। इस किरदार को जहां ऑडियंस ने पसंद किया, वहां क्रिटिक्स ने भी रणवीर सिंह को अच्छी रेटिंग दी। और अगर रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात करें तो एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वही ये चुलबुले से रणवीर सिंह है जो हमें ऑफ स्क्रीन देखते हैं, वो एकदम खिलजी जैसे लग रहे थे। उन्होंने कैरेक्टर को काफी ज्यादा अच्छे से प्ले किया। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड की तो फिल्म राजी के लिए आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वेल, इसके अलावा राजी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है आईफा की ओर से। इसके अलावा अगर हम बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो विकी कौशल ने हासिल किया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उनके फिल्म संजू के लिए। जी हाँ, संजू में रणबीर कपूर के दोस्त कमली का किरदार निभाने वाले विकी कौशल को उनकी इस एक्टिंग के लिए, उनके इस वर्क के लिए अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा अगर हम बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो अदिति राव हैदरी को मूवी पद्मावत के लिए मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का किरदार निभाया था और उन्होंने ये रोल भी काफी अच्छे से प्ले किया। ट्रेडिशनल लुक में वो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। वहीं इन अवार्ड्स की बात करें तो इन अवार्ड्स में सलमान खान, कैटरीना कैफ, रेखा, आयुष्मान खुराना और विकी कौशल जैसे कई सितारे पहुंचे। इसके अलावा इस शो में चार चांद तब लग गए जब इन अवार्ड्स में कुछ सितारों ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस भी दी। हमें उम्मीद है बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे भी ऐसे अवार्ड्स होते रहेंगे और अच्छी अच्छी फिल्मों को, अच्छे अच्छे एक्टर्स को उनके काम के लिए उनकी एप्रिसिएशन और उनके अवार्ड्स हासिल होते रहेंगे।